तो दोस्तों ये आया है पैकेट अमेज़न से। ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे, आप बहुत सारे टायर कंपेयर कर सकते हैं और टायर जिस कॉन्फ़िगरेशन का आपको चाहिए उसी कॉन्फ़िगरेशन का आप मंगवा सकते हैं। अब कोई ह्यूमन पार्ट तो है नहीं कि जो जैसा है वैसे आप बदल भी सकते हैं, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है वही लगाइए तो माइलेज ज़्यादा मिलता है और टायर सही समय पर बदल दीजिए तो ब्रेकिंग की दिक्कत नहीं आती, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, साथ ही साथ माइलेज बढ़िया मिलता है और ब्रेक और सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छा। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है ये इनवॉइस और अंदर में दिया हुआ है इनवॉइस। ये अमेज़न से मैंने मंगवाया और टीवीएस का टायर है। ये सबसे अच्छी चीज ये मुझे इसमें डिस्काउंट काफी मिल गया। वैसे तो प्राइस आप देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं दिखाता हूँ, पहले इसको खोल देता हूँ, काटने की जरूरत तो शायद ना ही पड़े। पहले पॉलिथीन ऐसे निकाल लेता हूँ इसकी। ये देखिए नई नवेली दुल्हन की तरह इसका घूंघट हटाते हैं और ये टायर आपको देखने को मिल रहा है। अभी इसकी जरूरत है नहीं, बस ये देख लिया टीवीएस का टायर है और मुझे कितने का पड़ गया ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये मुझे कुल पड़ गया है 1266 रुपए का। अगर आप इस टायर को देखेंगे मार्केट में तो ये 1500-1600 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन सेल चल रही है आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे बहुत होते हैं। और देखिए पहले तो इस दिखाता हूँ आप में ये जो ब्लॉक्स होते हैं प्लास्टिक के ब्लॉक्स जरूर लगे होते हैं। एक ब्लॉक ये निकला हुआ ऐसा टूट गया, ये सेफ्टी के हिसाब से लगाए जाते हैं इसमें ताकि बीच में गैप आपका बरकरार रहे। तीन है फिर भी तो गनीमत है और बिल्कुल नए टायर की खुशबू भी आ रही है इसमें, जो नए रबर की खुशबू होती है वो आ रही है। और टीवीएस यूरो ग्रिप तो मैंने मंगवाया अपनी पल्सर के लिए, पल्सर 220F के लिए, क्योंकि उसके टायर आगे पीछे दोनों घिस गए थे। ये आगे फ्रंट टायर है और इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं आपको। रेमोरा ये टायर का नेम है, ब्रांड नेम, और टीवीएस यूरो ग्रिप इनकी रेंज है टायर की। टीवीएस यूरो ग्रिप ISI मार्क और इनका मेड इन इंडिया नायलॉन टायर है, ट्यूबलेस टायर है। और यहां पर ये आप दिखाई दे रहा है 2101 5021 5021, मतलब 50वां हफ्ता और 2021 की तारीख कह सकते हैं, दिसंबर के महीने में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, ये कोई नंबर दिया होता है इनका। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज 90/90 17 M/C 49P, यानी 90x90। 90 मतलब ये जो हाइट होती है 90 और ये जो चौड़ाई है इसकी भी 90 mm। 17 इंच जो रिम का साइज होता है मोटरसाइकिल का टायर है, 49P 49, आप इस पे 49 प्लाई होता है और पी का मतलब आप 150 की स्पीड तक चला सकते हैं और 185 के आसपास लोड ये ले सकता है 49, जो एक इंडेक्स होता है वो टेबल अलग से आती है जिसके ऊपर आप बेस करके जान सकते हैं कितना लोड इस पे लिया जा सकता है। और टायर का मॉडल नंबर ATT455F। और ये देखिए नया टायर, एक लाइन तो हर टायर में होती है, किसी में येलो होती है, इसी में व्हाइट है और एक ग्रूव्स है फ्रंट में। इस तरह का होता है कि अगर सामने में पानी आए तो पानी भी अच्छे से कट जाए और एयर भी इसमें रिलीज हो सके और टायर अच्छे से पकड़ के चले। टायर हमेशा नए रखने चाहिए, ट्यूबलेस है। प्राइस मैंने आपको बताई दी और बहुत सारी ब्रांड्स मैंने कंपेयर करी, कंपेयर करने के बाद जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आप मंगवाया। और सबसे अच्छी चीज घर बैठे बैठे टायर आपके पास पहुंच गया, बस इसको आप जाके लगवा सकते हैं। अपने लगवाने का एक वीडियो बाद में डाल दूंगा मैं, फिलहाल तो अनबॉक्सिंग यहीं तक। और इसको भी खोल लेता हूं, ये स्टिकर है टीवीएस का। ये इसका स्टिकर टीवीएस यूरो ग्रिप, लाइफ टाइम वारंटी। सबसे अच्छी चीज लाइफ टाइम की वारंटी इस टायर पे, सबसे बड़ी चीज।
लाइफ टाइम और कोई डिफेक्ट इसमें होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, तो कंपनी आपको रिप्लेस करके देगी। इस वजह से ही मैंने इसको मंगवाया। तो बस आज की अनबॉक्सिंग मेरी यहीं तक। अपने टेक्निकल चैनल टेक्निकल हमेशा मैं ऐसे बहुत से वीडियोस लाता रहता हूँ, चाहे वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो या यूट्यूब से रिलेटेड हो या एप्स के बारे में बताना हो या कोई भी अनबॉक्सिंग हो किसी गैजेट की, ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले, आप जल्दी जल्दी वीडियो मेरे देख सकें। और ये देखिए अंदर से भी दिखा देता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दिया कीजिए, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोज, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो बस अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें और देखते रहें मेरे वीडियोज को। अगले वीडियो तक आप सभी का दिन शुभ हो। ये देखिए इस तरह से निकलता है ये, और इसको वापस लगाते हैं जब तक कि ये टायर फिट नहीं होता बाइक में, बीच में गैप बना रहेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।